नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मन की शक्ति क्या होती है? दोस्तों आप किसी के मुंह से सुने होंगे कि मन की शक्ति में कितनी ताकत होती है। अगर मन में ठान ले कि वो काम करना है तो करना ही है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो काम करना है तो करना ही है। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा मन के बारे में। दोस्तों मन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा दोस्तों हमारे मन किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं मगज यानी ब्रेन एक भौतिक चीज की जैसा है। उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन मन यानी माइंड एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने के लिए मन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन क्या है और उनमें कौन सी शक्तियाँ होती है मन में। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, और मगज यानी हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर की तरह कार्य करता है। दोस्तों हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम यह समझे कि हमारा मन कैसे कार्य करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझे, मन के शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों कई बार मन की इस शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कई बार कठिनाइयां भी आ सकती है। जैसे बिजली का गलत उपयोग हो जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोटक जैसी घटनाएं उद्भव लेती है। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई बार समस्या भी आ सकती है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही पद तीसर ही उनका इस्तेमाल करें। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने मन और उसकी शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। दोस्तों आपसे यह विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।